वाह 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 वाह। ये फव्वारा चौक और ये हमारी फिश, क्या बात है जी, क्या बात है। ये सीख गई कढ़ाई में, 5 मिनट में तैयार। चलते फिरते ये जो छोटी मोटी चटर पुटर करने में मजा आता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और ये आप स्टाइल देखें माशाल्लाह यार, जबरदस्त भाई जान, आपका जबरदस्त स्टाइल है यार। ये देखो चिकन, देखो इसके ऊपर यार, ये ठंड मॉल में थोड़ी लस्सी हो जाए, और लस्सी बना के जब हम खुद से पियेंगे तो उसका मजा ही अलग आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर सदर में। और भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीछे एक चिकन कॉर्न सूप के लिए हम आए हैं, जो कि बहुत ही मशहूर है पेशावर के अंदर। इससे पहले जब मैं सदर आया हूँ तो मैं सुबह सुबह आया हूँ, लेकिन अभी हम आए हैं रात में। सूप तो हमें पीना है, इसके अलावा जो कुछ हमें खाना पीना है वो हमने कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। बस यहीं पर ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, मज़े मज़े की चीज़ें ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर और आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चले, सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? कदीर। कदीर भाई माशाल्लाह इतना रश लगा हुआ है, क्या ऐसी खास बात है सूप में? ये तकरीबन 30 साल से हम ये 30 साल से, जी जी 30 साल से, गर्मियों में सर्दियों में भी, गर्मी में भी सूप, सर्दी में भी सूप। जी जी सूप। कितने का प्याला है, क्या सीन है? ये 100 का है, अंडे वाला 120 रुपये है। तो ये एक ही रेट 100 120। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। ये देखें आप माशाल्लाह, लोग जो है ना वो सूप पी रहे हैं, और सिर्फ सूप है यहाँ पे। एक कराची में भी एक हुसैनी सूप है, उस पर भी ऐसे ही रश होता है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें आप, और यहाँ जो सूप पे आए हम, वहाँ आए हम उवैस भाई की रिकमेंडेशन पे। है भाई उवैस भाई, आपकी रिकमेंडेशन पे आए, इन्होंने यहाँ पे 7 साल गुजारे, इनके साथ हम सफ़र कर रहे हैं और इनकी रिकमेंडेशन पे हम आए यहाँ पे सूप पीने के लिए। जी 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 जी, ठीक है। कैसा सूप है इनका? सूप पीना है अभी आपके ले लो। नहीं नहीं हम ले लेंगे अभी, ले लेंगे। नहीं नहीं जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, हम पी लेंगे, हम पी लेंगे। पार्सल भी होते जा रहे हैं यहाँ, अंडे बॉयल हुए हुए रखे हैं, ये पार्सल की थैलियाँ बनती जा रही हैं सूप की। ज़बरदस्त सीन है भाई, अन्नेवार रश मचा हुआ है भाई, अन्नेवार। ये कितने बजे खोलते हैं, कितने बजे बंद करते हैं? ये हम तकरीबन सुबह 9 बजे खोलते हैं, तो रात 2 बजे 3 बजे तक। सुबह 9 से रात 2 तक, तो 2 शिफ्ट है। अच्छा माशाल्लाह, सुबह 9 से रात 2 बजे तक आपको ये सूप मिलेगा भाई। ये देखो चिकन, देखो इसके ऊपर यार, ये इन्होंने पहले इसके ऊपर ग्रीन चटनी डाली, फिर जो है ना वो सिरका डाला, फिर ये चिली सॉस डाला, ये अंडे डाले जा रहे हैं इसके अंदर। वाह यार, क्या साइकिल बनी हुई है ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें भाई, ये जो है वो ये रेडी हो गया। इस तरह से पूरी एक सीक्वेंस बनती है प्यालों की, और यहाँ से फिर ये सूप जो है वो गर्म गर्म बाल्टियों में आता जाता है, डलता जाता है पतीले के अंदर। यहाँ से ये भाई इसके ऊपर ये टॉपिंग करते जाते हैं, और ये इस तरह सर्व होता जाता है। अब जो सीन बनेगा ना भाई, ये देखें आप, ये 4 प्याले और आ गए, ये चीज़, ये ये है भाई सीक्वेंस, ये चाल बनी हुई है, इस तरह से पूरा काम चल रहा है ये। और एक वक्त में जो है वो ये 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 प्याले एक वक्त में तैयार हो जाते हैं। वेरी नाइस, ये अब भाई सर्व हो गए।
बनते हैं और सूप के प्याले निकल जाते हैं माशाल्लाह। शाहरुख खान वाली जो वीडियो थी मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। अरे थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई रफीक भाई, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। सूप तो अच्छा हो गई लेकिन जो माहौल बना हुआ है ना वो माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपको देखता रहता हूँ कनाडा से। अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया। आज सुबह ही आया। अच्छा 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 थैंक यू थैंक यू। ये आ गया भाई हमारा सूप, और ये सूप जो है ना वो देखने में इतना ख़तरनाक लग रहा था। ये इसके ऊपर ये आप चिकन के चंक्स देखें, सर्दियों की सौगात, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा बहुत ही थिक सूप है ये। अल्टीमेट भाई अल्टीमेट, बहुत ही लबालब भरा हुआ है। 120 रुपए का सूप है ये, अंडे अंडे और चिकन समेत। बिस्मिल्लाह। जो चिली सॉस और सिरका है वो तो है, लेकिन एक कोई ग्रीन सॉस है इनका अपना बनाया हुआ, मिंट का है शायद वो, जिसका इसके अंदर टेस्ट आ रहा है, जो आम चिकन कॉर्न से थोड़ा सा हटके है। जो सॉसेज हैं वो इंतहाई मुनासिब हैं, अलग से आपको सॉस डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप डलवा भी सकते हैं। और यहाँ पे ये सब भाइयों के साथ बैठ के जो सूप पीने का मज़ा आ रहा है उसकी बात ही अलग है ना भाई। क्या बात है भाई, वाह। मोटी मोटी चिकन है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा चिकन है, मोटे 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 रेशे। सूप ख़त्म करते हैं और ज़रा आगे एक्सप्लोर करते हैं, मज़ेदार। क्या हाल है भाई, ठीक है? ये बन रहे हैं भाई, टिक्के बन रहे हैं यहाँ पे। क्या हाल है भाई, ठीक है? सब खैर। ये टिक्के तैयार हो रहे हैं भाई पेशावर में, क्या बात है। अफगानी टिक्के, हाँ भाई। जैसा कि मैंने बताया कि हम सदर में हैं, सूप तो हमने पी लिया, अब हम आ गए हैं ज़रा इधर फवारा चौक की तरफ, क्योंकि यहाँ से ना पूरी एक फूड स्ट्रीट है और यहीं से माहौल बनना शुरू हो गया है। डिफरेंट तरह के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये काबली पुलाव और ट्रेडिशनल जो आइटम है वो सारे मिल रहे हैं। और यहाँ से हम ज़रा चलते हैं और पूरी जो गली है उससे होते हुए फवारा चौक पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। ये फूड स्ट्रीट का पूरा एक बोर्ड तो बना हुआ है लेकिन इसकी लाइटें अभी बंद हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ से जो है ना ये फूड स्ट्रीट शुरू होती है। क्या हाल है भाई, कितने का दे रहे हो नारियल? 10 रुपये का एक पीस। 10 रुपये का? 10 रुपये का एक पीस है भाई, 10 रुपये का एक पीस। सही है भाई, ये बेहतरीन है यार, बेहतरीन है। अरे नहीं नहीं, अरे लो यार, चलते फिरते ये जो छोटी मोटी चटर पुटर करने में मज़ा आता है ना उसकी बात ही अलग होती है। 10 रुपये का नारियल, मीठा मीठा ठंडा ठंडा है, क्या बात है। रहा क्या भाई, रोल फ्रेंच फ्राइज कैसे हैं? आपकी सारी वीडियोस और वो वाली साहब भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, और कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऊपरा खाए भाई तो? नहीं नहीं, मेरे अरे थोड़ा सा खा ले, आपने थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा नहीं नहीं हमारे हाथ से। हाय 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 हाय, पिक्चर बनाएंगे। रवि सिंह मेरा नाम है, सरदार कम्युनिकेशन। रवि सिंह जी? अरे जी वाह जी वाह, चलें। ओके जी ओके। और ये सामने आ गया भाई फवारा चौक, फवारा चौक सदर कैंट पेशावर। ये देखिए भैया आप, ये फवारा चौक के चारों तरफ जो है ना आपको ये खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, यादगारी शौरमा, चाट, आइसक्रीम, फालूदा, मुख्तलिफ मुख्तलिफ यहाँ पे ये स्ट्रीट फूड वगैरह सारी मिल रही हैं, फूलों की दुकानें भी हैं। और आगे उधर जो है वो पूरी समझें फूड स्ट्रीट है। इस फूड स्ट्रीट के ऊपर भाई मैं दिन की रोशनी में आया हूँ, आज मैं आया हूँ रात में, तो रात में तो फिर अलग ही माहौल बना हुआ है, और आया भी था मैं तकरीबन 3 साल पहले। ये चीज़ भी अंडा पराठा बन रहा है भाई, क्या है उर्दू मकावा, क्या है? ठीक है, तेरी जगह किधर है? मुझे शायरी आती है। शायरी आती है? कोई शेर सुनाओ सुनाओ सुनाओ। क्या नाम है आपका? काशी। काशी? काशी भाई कोई हो जाए शेर हो जाए। हाँ भाई सुनाओ, काशी भाई सुनाएंगे शेर। इश्क वफाई नहीं करूंगे मैं, क्या हो गया है? वाह वाह वाह। धड़कन में क्या होता है, जगह इसको बनाए क्या होता है? पाकिस्तान के इलाका अल्लाह का बनाए इसको क्या होता है?
जगह इसको फूलता है, जगह इसको क्या होता है। शेर हो गया खत्म? हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। कैसे हैं आप? ठीक है। ये भाई ये देखें आप, मछलियाँ रखी हुई हैं, मसाला लगी हुई ज़बरदस्त किस्म की। कौन कौन सी मछली है? रोहू है, माशेर है, सिल्वर है, मली है। माशेर, माशेर क्या हिसाब है? 800 रुपये किलो। 800 रुपये? कौन सी है माशेर, कौन सी है? ये वाला माशेर है। ये माशेर है, ये सिल्वर है, ये वाला मली है। वाह 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 वाह, पीछे वो कढ़ाई पे फ्राई हो रही थी, यहाँ पे ये तवे पे मछली बन रही है। और आपके पास कौन सी मछली है? ये सिल्वर मोटे कांटे वाला और मली बगैर एक कांटे वाला। क्या हिसाब है? ये 700 रुपये किलो मोटे कांटे वाला, ये बगैर कांटे 8.5। बगैर कांटे 8.5। तो ये आप तवे पे कर रहे हैं, आप कढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसका टेस्ट सही है, इसका टेस्ट पसंद करते। अच्छा, ये बगैर कांटे वाला आधा किलो हमें भी कर दे जरा। इस रकम बगैर कांटे नहीं, लेकिन इसमें एक कंघी है खाली। एक कंघी है, कितनी होगी ये? 324 चलो सही है। ये पूरी पूरी ऐसे ही, पूरी ऐसी फ्राई हो जाएगी। ये देखें आप, ये सदर का ये पूरा ज़बरदस्त माहौल, फवारा चौक की फूड स्ट्रीट। और ये चिकन पीस कितने का है? ये 200 रुपये का। 200 रुपये का, क्या माहौल है भाई यहाँ पे। सुबह में आया हूँ मैं तो यहाँ पे बिल्कुल अलग माहौल होता है, बड़ा काम इन क्वाइट और ठंडा ठंडा सीन। रात के अंदर जो है ना वो हलचल है, रौनक है और ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि फ़िश वगैरह जो है ज़ाहिर है सुबह नहीं होती, तो रात में आए तो अलग सीन है, सुबह में आए तो अलग नाश्तों का माहौल बना हुआ होता है भाई। ऐसा ही है ना, सुबह में तो नहीं होते होंगे आप? शाम को शाम में होता है। इधर ये पीछे नान वान बन रहे हैं, पिज़्ज़ा नान। क्या हाल है? कैसे हैं? कैसे जा रहे सब? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखें भाई, इधर जो है ये चकोर तवे पे फ्राई हो रही है फिश। वाह जी वाह, काफ़ी ज़्यादा फिश का माहौल बना हुआ है। सर्दी का मौसम आ गया है ना, स्टार्ट हो गया है। हाँ, कैसे हैं उस्ताद जी? ठीक है। यस में आऊँगा मैं, फिल्म बहुत बन गई है, मैं किसी चीज में नजर नहीं आ रहा। थैंक यू। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, अभी एक पिक्चर हो जाए। बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। कैसे हैं? और ठीक है, जरा दबा दबा के ज़रा कड़क बन रही है हमारे लिए मछली है। ये मछली हमारी रेडी हो गई है और ये मसाला आ गया है इसके ऊपर। भाई देखने में ही टाइट लग रही है। क्या नाम है आपका? यार मोहम्मद। यार मोहम्मद भाई बहुत ज़बरदस्त। ये आ गई भाई हमारी फिश फ्राई। क्या हाल है? शुक्रिया भाई। भाई मछली खाए, मेहरबानी जी। ये देखिए भाई, ये बहुत ही क्रिस्पी करके जो है ना ये हमारी मछली तैयार की गई है, इंतहाई गर्मा गर्म मसालेदार। ओहो हो, टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा मसाला, मज़ेदार। जब उसको तवे के ऊपर, फ्लैट तवे पे बनाया उन्होंने, दबा दबा के बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है इसकी स्किन, और मछली का जायका सुभान अल्लाह। यार मोहम्मद भाई आ गए आप भाई, पर्सनली पेशावर में मुसाफिर पे जो मैंने मछली खाई थी वो भी अपनी जगह अच्छी थी, लेकिन मुझे ये मछली उससे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जो टेस्ट बर्ड्स है ना हमारी, वो अपनी ये ज़रा कराची वाली थोड़ा टच आ रहा है इसके अंदर। मिर्च मसाला है थोड़ा सा इसके ऊपर, ये हम डालेंगे भाई। ये और अब जो माहौल बनता है तो आपको पता ही है। अंत हो गया है, अंत। और मछली मुझे ज़्यादा अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंघी है, बीच में एक ही ज़्यादा कांटे नहीं है,
ज़्यादा बोंद होती है मछली के अंदर तो वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, मुझे मज़ा नहीं आता। आराम से आप खाएं, गोश्त निकाल निकाल के गर्मा गर्म मज़ेदार। यार मोहम्मद भाई ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह। क्या हाल है? बहुत ही ज़बरदस्त वाइब है भाई इस टाइम पे जो है ना, वो फवारा चौक सदर की। सर्दी के अंदर मछली जो है ना वो बेइंतहा जगहों के ऊपर मिल रही है, ना सिर्फ सदर के अंदर बल्कि रास्ते में जब हम आए हैं तो और भी जगहों पे बहुत सारे मछली के जो है ना वो स्टॉल और स्ट्रीट फूड ये सब चीज़ें मिल रही हैं। चिकन टिक्के बन रहे हैं यहाँ पे। सलाम अलैकुम। ये लोबिया जी, मिक्स लोबिया कलेजी मिक्स भी लोग खाते हैं और ऐसे अलग भी खाते हैं। कलेजी किसकी है ये? ये बड़ी है, भैंस की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। ज़बरदस्त, पहचाने आप मुझे? नहीं पहचाने। पहचाने आपके यहाँ से मैंने वो कोफ्ते खाए थे 2-3 साल पहले। जी बिल्कुल, आपने वीडियो शेयर की हुई है। जी 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 जी, मैंने देखा। जी 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 जी, काफ़ी माशाल्लाह लोगों ने देखा उस वीडियो को। जी जी, मैं भी यही बता रहा था, मैंने क्या उसके व्यूज़ ज़्यादा थे। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। ये मैंने कोफ्ते पहले जो मैं आया था सदर में, सुबह सुबह आया था नाश्ते में, तो नाश्ते में भी होते हैं रात में भी होते हैं। तो रात में जो आप लोग बंद किस वक्त करते हैं? 9:30 तक करते हैं। और सुबह कितने बजे खोल लेते हैं? नमाज के बाद 5 बजे 6 बजे। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते की खुशबू आ रही है, पाए भी यहाँ पर होते हैं और हमने भाई ये ट्राई किए हुए, बहुत ही मज़ेदार है, ज़बरदस्त। चले थैंक यू। ये देखो भाई चिकन टिक्के, चटनी कबाब तैयार हुए रखे हैं, सब्जी ग्रिल हो रही है भाई। कितने की सब्जी है? 700 की है। 700 की सब्जी है भाई। मुर्गी थोड़ी छोटी लग रही है साइज़ में। जलेबियाँ मिल रही हैं रात में भी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। ज़बरदस्त जलेबियाँ तैयार हुई भी हैं भाई माशाल्लाह। और ये क्या है? अंदरसा समोसे। ये चावल को पीस कर बनाया जाता है। जी जी जी, तो कसूर के अंदर से भी मशहूर है काफ़ी। कसूर तो अपनी जगह है, कसूर तो बाबा भोले शाह का शहर है। हाँ हाँ हाँ, सही, बाबा भोले शाह की ज़मीन है, सही बात है। तो वजह है शोहरत ही वो बाबा भोले शाह। 24 घंटे खुला रहता है बाज़ार? ये बाज़ार खुला रहता है, यानी कि जो रात वाले बंद कर रहे होंगे तो सुबह नाश्ते वाले आ जाएंगे। हाँ। है तो इस तरह से समझे खुली ही रहती है। हाँ। ओ वो जलेबी लग रही है। बैठे अंदर से दूध वाली टिक्की, ये नुक्ती दाने, जलेबियाँ, क्या बात है। सुबह नाश्ता हलवा पूरी जी। हम मैन के ऊपर आ गए तकरीबन, नदीम होटल आ गया है। ये नदीम होटल बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पे भी ये सब्जियाँ वज्जियाँ बन रही हैं भाई। इस स्ट्रीट पे घूमने के बाद हमने फैसला किया है कि वो जो कढ़ाई मिल रही है ना 300 रुपये की कबाब वाली कढ़ाई, वो कढ़ाई ज़रा टेस्ट करें, क्योंकि वो ज़रा डिफरेंट आइटम लगा था, वो मैंने भी टेस्ट किया है। बाकी कोफ्ते पाए वगैरह तो मैं खा चुका हूँ, तो वो चीज़ ट्राई की जाए जो ज़रा थोड़ी सी यूनिक है, तो वो जो कढ़ाई है वो टेस्ट करते हैं। 4 सीखों की भाई ये चिकन कढ़ाई हम बनवाएंगे। पहले ये ग्रिल हुई हुई है, फिर इसके अंदर ये बनेगी, है ना भाई? ये सीख गई कढ़ाई में, ये थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है बनाने का कढ़ाई। थोड़ी देर तक भाई कढ़ाई को जो है ना वो इन्होंने ऑयल के ऊपर किया है, उसके बाद ऑयल डाल के चिकन को थोड़ी देर रखा, उसके बाद फिर उसको तेज़ आंच पे ले गए हैं। अब इसमें टमाटर डाले जा रहे हैं और ये हरी मिर्च डाली जा रही है, थोड़ा सा ये मसाला आया लाल, नमक वमक डाला गया है, फिर इसको दोबारा ढक दिया है, बस ये अब तैयार हो जाएगी। पाँच मिनट में तैयार भाई, ये तकरीबन तैयार हो गई है। वहाँ हम पीछे बैठते हैं और ये ज़रा टेस्ट करते हैं। ऐसे आप लोग खैरियत से? ठीक है, ज़बरदस्त। आपको मैंने देखा सर, मतलब चैनल का नाम, चैनल का नाम भूल गए? अरे यार, फिर क्या देखा आपने? देखा तो बहुत वीडियोस देखता हूं। मेरा चैनल है स्ट्रीट फूड पीके। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लाइक किया हुआ है फेसबुक पे, क्या सब्सक्राइब किया हुआ है। चलो थैंक यू, क्या कर सकते हैं, बड़ी मेहरबानी, बड़ी जजाक अल्लाह, थैंक यू। गाँव में याद रखें बस।
भाई ये आ गई है हमारी कढ़ाई और बोनलेस चिकन की जो है ना ये बारबेक्यू हुई हुई थी, ग्रिल हुई हुई थी और उसके साथ ये गर्मा गर्म नान आए हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। आम कढ़ाइयाँ तो हमने खाई हैं काफ़ी पेशावर के अंदर, दुबई की, बकरे की, इसकी उसकी, लेकिन ये टेस्ट जो है ना उन सबसे अलग है। यहाँ पे ये सीख कबाब भी हैं, बोटियाँ भी हैं, डिफरेंट तरह के मीट की ग्रिल हैं, सीखे हैं, तो हर तरह की सीख का जो है ना वो आप कढ़ाई बनवा सकते हैं। बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही मज़ेदार, चटपटा, मसालेदार, लजीज फ्लेवर है और है भी काफ़ी इकोनॉमिकल। ये ख़ैर में 320 रुपये की कढ़ाई है ये और इसमें दो लोग आराम से खा सकते हैं। वेरी नाइस। थोड़ी सी ये चटनी के साथ भी टेस्ट करते हैं। चटनी का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा टाइप का है। चटनी हो आपके ऑप्शन है, लगाना यूज़ करना चाहे कर लें, और पेशावर के खानों में तो वैसे ही जायका है। क्या बात है। हाँ भैया, गरम गरम जलेबी कौन सी है? ये वाली है थोड़ी सी, दो आधा पौधो, और एक ये कितने का है? 20 का एक, ये दो और थोड़ी सी जलेबी। ये देखो भाई, ये मिट्टी टिक्की और इसके नीचे है जलेबी, क्योंकि इतना लजीज खाना खाया है तो मीठा तो बनता है। गरम गरम जलेबी बन रही है तो किसके लिए बन रही है? खाने वालों के लिए बन रही है ना। क्या नाम है तुम्हारा? उर्दू नहीं आती भाई। ये मिट्टी टिक्की जो है ना ये तो डोनट की तरह की लग रही है मुझको। है ये दूध से बनी हुई होती है, दूध से बनी हुई मिट्टी टिक्की, तिल भी इसके ऊपर लगे हुए। टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। डोनट बने सही का, जैसी डोनट टाइप की चीज़ है ये, और दूध, मैदा, खीरा। आप भी खाएं जलेबी, थोड़ी सी एक एक हल्की सी। असल में भाई साहब की जलेबी बहुत मशहूर है। मशहूर है, हाँ माशाल्लाह, काफ़ी ग्राहक भी आते हैं इधर जलेबी, खास कर इसके पकौड़े भी बहुत मशहूर है। अच्छा। काफ़ी प्रोडक्ट्स लगाते हैं जो सफेर के टाइम होते हैं। आप कमीशन ले रहे हो? आप कमीशन ले रहे हो मुझे लग रहा है इससे। आप कमीशन ले रहे हो भाई? कमीशन सर हमने आप से ले लिए, तो कमीशन के बगैर चलता ही नहीं। सारा मसला कमीशन का है, सारा मसला कमीशन का है भाई। जलेबी भी खाते हैं। बात सही है, बहुत क्रिस्पी, गर्मा गर्म, मज़ेदार, बहुत ही खस्ता करारी। ये जितने भी स्टॉक होते हैं, समोसे होते हैं, पकौड़े होते हैं, तकरीबन 8-10 के करीब कारीगर ये बंदा, इतने छोटे से दुकान। आप यहीं रहते हैं क्या? नहीं सर, मैं गांव का रहिश हूँ। तो आपको कैसे? आता जाता हूँ, रक्षे का ड्राइवर, रक्षे चलाता हूँ सर। तो इतनी सारी आपको जानकारी कैसे पता इस दुकान के बारे में? सफर के वक्त आते समोसा चाट लेते हैं माशाल्लाह। समोसा चाट, ये समोसा चाट बोल रहा है, समोसा चाट बोल रहा है ये। डेली कस्टमर है, अब तो कस्टमर को डिस्काउंट तो मिलेगा, कस्टमर को डिस्काउंट मिलना बनता है। वाह भाई वाह, जबरदस्त, मजा आ गया। ओके भैया, लस्सी के रखे हुए यहाँ पे ये बड़े बड़े गिलास। कितने का गिलास है? 70 रुपये दे दो एक गिलास दो पहले। ये भाई ये दही है, ये ताज़ी ताज़ी बनेगी अभी अभी। वाह, भाई हर दफ़ा जो है ना वो हम एंडिंग करते हैं मोस्टली चाय के ऊपर, लेकिन इस बार हमने सोचा कि ठंड माहौल में थोड़ी लस्सी हो जाए, और लस्सी बना के जब हम खुद से पियेंगे तो उसका मज़ा ही अलग आएगा। लेकिन लेकिन किसकी सुपरविजन में? क्या नाम है तुम्हारा? न्याज मोहम्मद। न्याज मोहम्मद ने सिखाई है हमें लस्सी बनाना है भाई। बना तो यही रहा है, हमने तो हाथ लगाया, चलो बना लो बना लो। ये होता है प्रोफेशनल तरीका, हाथ हाथ का फर्क देख लो। है न्याज मोहम्मद, इसको कहते हैं लस्सी फेंटना। पीछे कलेजी बन रही है, ये देखें आप, अलग ही माहौल है भाई, अलग ही माहौल है पेशावर फवारा चौक फूड स्ट्रीट का। क्या बात है। ये हो गई भाई लस्सी तैयार। मलाई डालोगे? नहीं, मलाई ख़त्म है। चलो चले जी, ये आ गई है ज़बरदस्त से स्टील के गिलास के अंदर लस्सी। बिस्मिल्लाह। न्याज मोहम्मद छा गए आप, बहुत ही ज़बरदस्त लस्सी बनाई है भाई, और गर्मी में तो मज़ा है ही लस्सी का, लेकिन ठंड में भी मज़ा है।
है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। और भाई ये देखो फुवारा चौक की फूड स्ट्रीट है, इसका तो अलग ही माहौल है रात के अंदर भी, तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया। आप लोगों को भी वीडियो देख के मज़ा आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें। और थोड़ा थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि लस्सी ख़त्म करने के बाद थोड़ी चाय हो ही जाए, लेकिन वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चाय तो फिर ज़रूरी है ना भाई, लस्सी अपनी जगह। वंस अगेन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चाय तो फिर चाय है ना यार।